मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल और नदी न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा में जमकर ठनी हुई है। खनिज मंत्री जायसवाल ने कंप्यूटर बाबा के ज्ञान पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कंप्यूटर बाबा किसी के भी इशारे पर खदानों पर पहुंच जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वे स्वीकृत खदान पर हैं। नदी न्यास अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा और मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल के बीच जमकर बयानबाजी चल रही है। अब खनिज मंत्री ने कंप्यूटर बाबा के ज्ञान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कंप्यूटर बाबा कोई वैज्ञानिक तो नहीं है, न ही उन्हें तकनीकी ज्ञान है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी के इशारे पर खदानों पर पहुंच जाते हैं। सभी खदानें अवैध नहीं है, वह स्वीकृत खदान पर जाकर भी कार्रवाई की बात करते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। देखिए कंप्यूटर बाबा कोई वैज्ञानिक नहीं है, न कोई तकनीकी ज्ञान उनको, ठीक है। अब वो जो भी काम कर रहे हैं वो सरकारी खजानों में चले जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि सरकारी खजाने हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग उनको भेजते हैं जानबूझ के, और उसी तरह से जहाँ भी जाते हैं वो, ऐसा नहीं कि हर खजान में ट्रैक्टर खड़ा है मशीन खड़ी बनना अवैध ही है। वो पंचायत के खजान स्वीकृत खजान है, वो मालूम ही नहीं करता कि पंचायत के स्वीकृत खजान है। अब वहाँ दबाव डाल के कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं, उसको प्रेसिडेंट भाई बना लेते हैं कि मैं आया तो कार्रवाई करनी चाहिए, इस तरह से कार्रवाई। लेकिन जहाँ जा रहे हैं हर खजान अवैध है ऐसा भी नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। हाँ।